नमस्कार, जितने भी हमारे देख रहे हैं सबको नमस्कार। बताना चाहेंगे एक दुखद खबर जो कि चेनानी से आ रही है, और चेनानी से ये खबर आ रही है। आए दिन आप देखते हैं इस तरह की खबरें जब सामने आती है, हमारा भी मन दुखता है कहीं ना कहीं आप तक वो खबर लाने के लिए, क्योंकि जिस घर के सदस्य की जान जाती है उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। बताना चाहेंगे एक सड़क हादसे में चेनानी की जो खबर सामने आ रही है, एक सड़क हादसे में एक ड्राइवर की जान चली गई है और उसके साथ अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताना चाहेंगे पूरी खबर, पहले ये गाड़ी का नंबर जो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि क्या गाड़ी की आप दिशा देख लीजिए, यह है गाड़ी की हालात। गाड़ी पूरी तरह से एक गहरी खाई में जा गिरती है और जिससे एक ड्राइवर की मौत हो जाती है, जिसमें अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। आप गाड़ी की हालात जो देख रहे हैं वाकई ये दिल दहला देने वाले हालात हैं। आए दिन इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं कहेंगे एक चिंता का विषय है। पूरी खबर क्या वो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। खबर यह कि चेनानी से आ रही है, बताना चाहेंगे आपको चेनानी लाथा लिंक रोड पर दुर्घटना जो हुई है, ये लगभग 3 बजे सुबह की बात बताना चाह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन चेनानी में जो सूचना प्राप्त हुई कि एक बलारो कार जिसका नंबर JK14K0594 है, चालक जिसका नाम जो ड्राइवर था उस बलारो गाड़ी का, जिसका नाम था रिंकू पुत्र ज्ञानचंद, उम्र 32 वर्षीय, निवासी वार्ड नंबर 3 मढ़ा तहसील चेनानी जिला उधमपुर का रहने वाला था। और यह भी जो बताया जा रहा हम तक पुलिस के माध्यम से खबर पहुंची है कि काफी तेज गति से ये गाड़ी चला रहे थे और कहीं ना कहीं कहेंगे कि इसी के वजह से गाड़ी का निरंतर खो गया और गाड़ी जो गहरी खाई में गिर गई। यानी मढ़ा तहसील चेनानी जिला उधमपुर तेजी और लापरवाही से जब चेनानी लाधा लिंक रोड पर खरगल पहुंचा तो उपरोक्त चालक कार की गति पर निरंतर नहीं रख सका, जिसके कारण कार जो है काफी गहरी खाई में लुढ़ गई। ड्राइवर रिंकू की जो है मौके पर ही मौत हो गई और 3 और यात्री जो उस बलैरो गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे, जिनमें से वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से नीरज सिंह पुत्र संसार सिंह उम्र 20 वर्ष, दूसरे रमेश सिंह पुत्र अमरनाथ उम्र 50 वर्ष, तीसरे जोगिंद्र सिंह पुत्र राज सिंह उम्र 24 वर्ष, सभी निवासी गांव कित्थर तहसील चेनानी जिला उधमपुर थे, वो घायल हो गए। मृतक चालक के शव को शव गृह यानी के मार्चरी कक्षा CHC यानी के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चेनानी में ट्रांसफर कर दिया गया और साथ ही साथ घायलों को इलाज के लिए CHC चेनानी में भेजा गया है। इस पर पुलिस स्टेशन चेनानी ने तत्काल में मामला दर्ज कर जो जांच शुरू कर दी है। बताया ये जा रहा जो हम तक खबर आई है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर जो रिंकू कुमार है, जिसकी उम्र 32 वर्ष बता रही है, वो गाड़ी जब बुलेरो गाड़ी चला रहे थे, लगभग सुबह 3 बजे की बात है कि काफ़ी तेज़ी से वो गाड़ी आ रही थी और गाड़ी पर कहीं ना कहीं उन्हें निरंतर खो दिया, जिसके चलते गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। और गहरी खाई में जब गाड़ी गिरी है तो उसमें रिंकू कुमार, जिसकी उम्र बताई जा रही है 32 वर्ष, उसकी मौके पर ही जान चली गई। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे 3 अन्य लोग जो इस बलैरो गाड़ी में सवार थे, वो 3 गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें फिलहाल CHC चेनानी में पहुंचाया गया। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हम आप सभी से निवेदन करते हैं, कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों की कहावत है दुर्घटना से देर भली, यानी 5-10 मिनट आप लेट भी पहुंच जाएं पर कोई बड़ी दुर्घटना ना आपके सामने, उसे बचना है तो हमें जब भी हम आप यानी सड़कों का रुख करते हैं, अगर 2-व्हीलर है या 4-व्हीलर है, ये सोचिएगा जब भी आप गाड़ी चलाते हैं कि अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को खतरे में ना डालें। शायद रिंकू ने भी कहीं जल्दी जाने का सोचा होगा कि जल्दी पहुंचेंगे, पर जल्दी जल्दी के चक्कर में जब हम गाड़ियों को तेज़ रफ्तार से चलाते हैं, ये मशीनरी है, ये किसी समय भी धोखा दे सकती है। तो इसीलिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, चाहे 2-व्हीलर चलाते हैं, चाहे हमारी युवा पीढ़ी युवतियाँ कोई भी अगर चलाता है, घर में अपने परिवार को नज़र में ज़रूर रखिएगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके परिवार वाले आपके घर में आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आप सुरक्षित घर में वापस पहुंचे। फिलहाल एक बुरी खबर और दुखद खबर है चेनानी से कि रिंकू कुमार, जिसकी उम्र 32 वर्ष बता रही है, वो बलैरो गाड़ी को चला रहे थे, गाड़ी का निरंतर खो गया, तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे जिसके चलते गाड़ी का निरंतर खो गया, गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें रिंकू की तो जान चली गई, उसके साथ अन्य जो 3 लोग थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए। हम यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान रिंकू की आत्मा को शांति दे। आप जो भी समय में लिख रहे हैं आप भी कमेंट बॉक्स में हम शांति ज़रूर लिखेगा, और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनके घर वालों तक ये वीडियो पहुँचे, जो भी शायद उन तक ये खबर ना पहुँची हो, पर फिलहाल जो हम तक जानकारी पहुँची है, पुलिस का काम है ये जानकारियाँ उन तक देना। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, पर जो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, हम ये भी प्रार्थना करते हैं वो भगवान करे वो जल्द से जल्द ठीक और स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस जाएं। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे रिंकू के परिवार के लिए एक दुखद घटना है, दुखद समाचार है उस परिवार के लिए, जिस परिवार का वो सदस्य होंगे, जिस माँ बाप का वो बेटा होंगे, जिस माँ बाप की आंखों का तारा होंगे, फिलहाल इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चल गए हैं। पर अपने माँ बाप को पूरी उम्र का दुख उनके साथ रहेगा, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। माँ बाप हैं जो अपनी औलादों से काफ़ी, अपने बच्चों से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं कि बुढ़ापे का सहारा होंगे, जीने की उनकी वजह होती, पर वही वजह जब उनसे छिन जाए तो माता पिता जो हैं जीते जी ही मर जाते हैं। फिलहाल एक दुखद समाचार है चनैनी से, एक सड़क हादसे में रिंकू कुमार जो 32 वर्ष से उनकी जान चली गई है और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो भी समय में देख रहे हैं आप, रिंकू कुमार की आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना करिए। फिर से हम कहेंगे कि ड्राइविंग जब आप करते हैं आहिस्ता से चलना, यानी कि दुर्घटना से देर भली, ये ज़रूर कहेंगे कि बड़ा हादसा ना हो उससे पहले ये ज़रूर कहेंगे कि आप जब भी गाड़ियां चलाते हैं आहिस्ता से चलाइएगा, यानी कि अगर आधा घंटा या घंटा 15 मिनट हम लेट भी पहुंच जाएंगे पर हम सुरक्षित तो अपने परिवार के पास पहुँचे ना, अपनी जनता से, खास करके युवा पीढ़ी जिनमें आज के दौर में पेशेंस ही नहीं है, जब भी गाड़ी पर उतरते कई आपने देखा कि हमारे यंग एज के माइनर बच्चे, युवा, हमारी पीढ़ी किस तरह से, हमने अपनी आंखों के सामने भी एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, क्योंकि हम उस में कवरेज पर पहुंचे होते हैं जब हमारे सामने वो हादसा होता है। पर ये जरूर अपनी जनता से कहेंगे, निवेदन है हमारा अपने पत्रकार भाई बंधुओं से भी, भगवान ना करे जब कभी आपके सामने इस तरह का कोई हादसा होता है, सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले हमारा एक कर्तव्य बनता है कि इंसानियत के नाते भी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते भी, सबसे पहले उस व्यक्ति को जो हादसे की जो साइट होती है, जो घटना का साइट होती है, सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए उन लोगों को जो अगर गंभीर रूप से घायल हुए हैं या जिनकी जान पर बनाई है, उन्हें जल्दी हमारी मदद से हम हॉस्पिटल पहुँचाएं या पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि जल्द से जल्द उन्हें फर्स्ट एड मिले या मेडिकल जो उन्हें सुविधाएं मिले ताकि वो उनकी जान बच सके। वीडियो बाद में भी बन सकती है, खबर हम बाद में भी देख सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उस वक्त उस हादसे में जो लोग ग्रस्त हुए हैं उन्हें उनकी जान बचाना। फिलहाल क्या कहना आपको इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।